कुर्सी लाओ ना। क्यों? रखूंगी मोबाइल। चौकी से ले ले कोई। चावल ले लिए ना? तिल है। बैठो। जी का पूजन कर ले। हाथ में कुछ तिल ले ले और पास में ही एक जल का लोटा भर के रखे। कथा सुनते समय हुंकारे अवश्य भरे। तो आइए कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता और बदले में जो भी चराई मिलती उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया के बेटा जब पशुओं को चराने जंगल में जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई और बोली कि बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो, तुम्हारी माँ घर में बैठ के पकवान बना बना के खाती है। लड़का बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब चाची ताई बोली कि तुम्हें भरोसा ना हो तो आज थोड़ी देर पहले जाके देख ले, खुद अपनी आंखों से देख लेना। लड़के ने सोचा ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का जिस समय अपने घर रोज जाता था उससे थोड़ी देर पहले आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकुट बना रही थी, कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। अब ये देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी ताई चाची तो ठीक कह रही थी, मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ, मेरी माँ तो पीछे पकवान बना बना कर खाती है। उसको ताई चाची की सीख लग गई थी। लड़का बोला माँ मैं तो घर से निकलूंगा। माँ बोली बेटा क्या बात हुई जो तूने ऐसा सोचा। बेटा बोला कि माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, तुम पीछे पकवान बना बना के खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम बताती तक नहीं हो, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा आज सकट चौथ का व्रत है इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई ये किसी का सिखाया पढ़ाया गया है, ये नहीं रुकेगा। बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये सकट चौथ व्रत के तिल हैं, ये तुम अपने साथ ले जाओ, जहाँ भी भीड़ पड़े मुसीबत पड़े तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती हूँगी तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वो चल दिया। चलता चलता एक जंगल के पास पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माई की याद आती है, तो उसे भी अपनी माँ की याद आ गई। माँ याद आते ही माँ के दिए तिल याद आ गए। तिल पूर के वहीं बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला वैसे ही शेर गाय बन के पूंछ हिलाता चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वो राम राम कहता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, तूफान आया हुआ है, और अगर मैं ये नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो गई है, पीछे जंगल है, जंगली जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद माई की आई। अब तो तिल पूर के वो बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी दो हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे देगी, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही कहा नदी दो हिस्सों में बट गई, उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बनाती जाए पूड़े बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला माई अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू ये पूड़े मुझे खिला देगी। बुढ़िया बोली बेटा पूड़े तो तू चाहे जितने खा ले चाहे सारे खा ले, पर यूं कौन किसी की आई में जाता है। वो बोला ना भाई मैं चला जाऊंगा। भर पेट पूड़े खा के वो सो गया। रात को सैनिक बुलावा लेके आए।
आप बुढ़िया कभी कुंडी खटकाए, कभी चिमटा बजाए, कभी बासन खड़काए, फिर आने बुद्ध को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के लड़का उठ गया और बोला, माई आ गए? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गए। सैनिकों के साथ साथ वो चला गया, जाके आओ में बैठ गया। आओ में बैठ के अपने तिल पूर लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम की व्रत करती है तो इस आग से मैं नहीं जलूंगा, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। तीन दिन हो गए, वहीं पास में ही बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाके मटके पर लग गई, टन से आवाज आई। अब टन की आवाज सुनकर सब घबरा गए कि आग तो पूरे 6 महीने में पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया। सारी नगरी इकट्ठा हो गई, राजा को बुला लिया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे तारो, भाई धीरे धीरे तारो। ये आवाज सुन के सैनिक तो दूर दूर भाग गए, इसमें तो कोई भूतला है। अब राजा भी तलवार निकाल के खड़े हो गए और बोले, सच सच बता कि तू कौन है। तब मटकों में से बुढ़िया का बेटा निकला, बोला, महाराज मैं कोई भूतला नहीं हूँ, ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी, चाची ताई के सिखाए में आ गया और घर से निकल आया, और मेरी माँ ने ये तिल दिए थे, और माँ ने कहा था कि अगर वो मेरे नाम के व्रत करती होगी तो जो भी भीड़ पड़ेगी वो टल जाएगी। अब भाई मैं तो ये तिल पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वो टल जाती है। इतना सुन के रानी बोली राजा को, क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इससे करते, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा रानी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी, वो घर जमाई बन के महल में रहने लगा। अब तो दिन पे दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वो बुढ़िया का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पे घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आई। बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वो बोला, हाँ हमारे गांव भी है, घर भी है, और मेरी एक माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वो कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी जाके अपने पिताजी से बोली, पिताजी पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन हाथी घोड़े हीरे मोती देकर के अपनी बेटी को विदा किया। अब वो दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को भेजा कि जाके मेरी माँ को बता दो, उसके बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाके कहा कि बुढ़िया तेरा बेटा और बहू आए हैं। जो बुढ़िया बोली कि हे बेटा, सारा गांव तो बोली मारे, तू भी क्यों बोली मारे, मेरा बेटा तो उसको तो सीख लग गई थी जिससे वो घर छोड़कर चला गया, पता नहीं उसे कोई जी जिनावर खा गया होगा, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, ना ही उसकी कोई खबर है। ना माई, तुम्हारा बेटा आया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। वो बोली कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूंछों पर पड़ेगी, अब उसे चमड़े की आंगी पहनाएगी। जैसे ही बुढ़िया का बेटा उसके सामने आया, आंगी फट करके दूध की धार छाती से बहकर भी उसकी दाढ़ी मूंछ भीग गई। सारे गांव में रुक्का मच गया, बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं चाची ताइयों के सिखाए में आ गया था और घर से चला गया था, तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी, तुम्हारे दिए तिलों ने और सकट माता ने मेरी हर मुसीबत से रक्षा करी। बेटे बहू को देख करके बुढ़िया अपने सारे पुराने दुख भूल गई और बुढ़िया बोली, बेटा सकट चौथ माता ने मूल तो लौटाया ही लौटाया, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के तो ठाट हो गए, बेटा बहू बुढ़िया की खूब सेवा में लग गए। ये सकट चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पे करी वैसी सब पे करना, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर करना, सारे घर परिवार पर करना, हम पर भी करना। ये थी सकट चौथ व्रत की कहानी। अब इसके बाद में हम एक गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको वो दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था।
माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। पांच आने का तिल और गुड़ ला करके तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद होने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद में ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे खाना दे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेने आ जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आ गए थे, बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान मिलेंगे, तो परंतु बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी दो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा, धोवना हाथ से छूट गया तो बाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए, कहने लगी कि हे धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दू, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाने को देती है, वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वो ही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, हे धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई कहाँ करूँ, कहाँ निमटू। वह बोली, यह पड़ा है सारा घर, जहाँ चाहे वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचू, नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर से पूछ लो। और कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सिर पर जहाँ विनायक ने पूछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसे काम की जरूरत नहीं है, अब तो उसका ही काम कोई कर दे, घर में सब भरपूर, गणेश जी की आशीष से सब कुछ है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची के घर में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि तुम मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने से पाटे से कैसे मार सकता हूँ। मैं नहीं मानी और जिद करने लगी, मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। ऑट्रिविन ऑक्सीफास्ट रिलीफ, ये बंगा खोलना शुरू करें सिर्फ 25 सेकंड में। इसका स्प्रे नाक की अंदरूनी सूजन घटाना शुरू करें सिर्फ 25 सेकंड में। इतना आसान, स्मार्ट बनो, ऑट्रिविन करो। जिद करने लगी, मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया। सो गई। रात को चौक विनायक जी उसके सपने में आए, भूख लगी, बोला क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया होगा, मैंने तो झड़ते घी में चूरमा बना करके छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे सो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल बने हुए हैं, जहाँ चाहे वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुंचू। जेठानी बोले, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी जब सुबह जल्दी उठ गई तो सोचा घर में हीरे जवाहरात से भर चूक मिलेगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैल गई है, तेज बदबू आ रही है, उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने यह क्या कर दिया, मुझसे रूठे और देवरानी पे टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी फैलती ही गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्से से भर गया, बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी ने से जलने के कारण तूने जो किया था उसी का तुझे फल मिला है, अब तू अपने धन में से आधा धन यदि उसे दे देगी तभी सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो ये सब निपटारा निपटाओ। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी मोहर की हांडी सहित दाग पे रखी हुई दो सुई के भी दो हिस्से कर दो। इस तरह गजानन ने बाल स्वरूप में आकर के सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पे कृपा की वैसे सब पर करना, जैसे जिठानी पर कोप किया वैसे किसी पर मत करना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय गणेश जी महाराज। इस तरीके से दोनों कथा सुनने के बाद में हम जल का लोटा अर्घ्य दे देते हैं और जो तिल हमने हाथ में लिए थे उन्हें अपने पल्लू में बांध लेते हैं और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देते हैं, थोड़े गणेश जी को अर्पित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सकट चौथ की कहानी। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय आप अवश्य लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। लो जी, हमने सुन लिए कहानी और अब हम व्रत खोलेंगे, चाय बनाएंगे और तिल के साथ में खोलेंगे। चाय के साथ ही खाएंगे तिल वाला? हाँ। मेरा तो पहली बार व्रत रखा है मैंने, अभी तक मैं नहीं जानती थी ना रखती थी, पर मम्मी काफी सालों से रखती आ रही है, तो वही आज मैं पहली बार मैंने व्रत रखा है। हालांकि मम्मी ने कह दिया था कि मत रखो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं मैंने रखा है आज, है ना। हाँ, कह दी बेटा अगली बार कर ली, पर ये औलाद के लिए हुआ है। औलाद के लिए हमारे यहाँ होता नहीं है वैसे, ना मैंने कभी सुना, लेकिन यहाँ होता है। हमने बना दी चाय। लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, पर दरवाजा बंद कर दो। पर लड़े तो भी काबू में ना आ रहा। तिल और चाय, भोग भी लगाना है? कोई चढ़ा दिया, मतलब चढ़ा दिया। हाँ, कोई मतलब खा ले बेटा, कोई ना खा ले, जब तू चढ़ा दे बाहर निकल जाएगी। अच्छा, ऐसा ही सुन सही रखेंगे। आज लाइट नहीं है हमारे घर पे, इसलिए थोड़ा लाइटिंग की इशू हो रही है। इन्वर्टर की लाइट चल रही है। आप सभी को सकट चौथ के व्रत की शुभकामनाएं। हम चांद का इंतजार कर रहे हैं। मेरी मम्मी ठंडी लग रही है, इतना चाड्डा पड़ रहा है, अंधेरा हो रहा है, हम खड़े हैं चौथी मंजिल पे। चांद कैसे लिख रहेगा? बहुत ठंड हो रही है। हाँ, तारे तो दिख रहे हैं ना। आज व्रत चांद का हो रहा है इंतजार। 9:30 से हो गए ऊपर पार, भूख लग रही है और सबके कहने के हिसाब से चांद आ गया, पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप सभी को सकट के व्रत की शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी बताना कैसा रहा। मैंने किया फर्स्ट टाइम और मैं आगे से कंटिन्यू रखूंगी। बेटा मेरा नीचे है और ये रही मेरी सासू माँ चांद का वेट करते हुए। करवा चौथ पे भी वेट नहीं था इतना तो। उस टाइम ना सब वेट कर रहे थे, आज सब व्यांश रोने लग गया। बस पापा है उसके पास। तो भाई, आज था हमारा सकट चौथ का व्रत और बज गए हैं रात की 10। अभी तक हमें चांद नहीं दिखा था, अब हमें चांद दिखाया और अब हमने उनको जल दिया है और खाना है बिल्कुल तैयार। आप लोगों ने अभी तक व्रत खोला या नहीं खोला कमेंट में बताना, किस किस ने व्रत रखा था और कौन कौन रखता है। आप सभी को मेरी तरफ से सकट माता के इस व्रत की शुभकामनाएं हैं। और हमने बनाया बड़ा ही मज़ेदार खाना, जिसे मैं मम्मी को दूंगी पहले, उसके बाद होगी हमारी शुरुआत। आप सभी को शुभकामना।